हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, रीमान समाकलन का हमारा टॉपिक चल रहा है। रीमान समाकलन की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम 1.7 पे, जो रीमान समाकलन की सेकंड डेफिनेशन पे आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब द्वितीय परिभाषा बोल सकते हैं इस थ्योरम को। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, 1.7 है, बहुत ईजी थ्योरम है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई हुई है। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इधर लिखूंगी नहीं, कि थ्योरम में क्या दे रखा है कि फलन एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू, इसने बोला है कि फलन एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिबद्ध और आर समाकलनीय है। आर समाकलनीय का मतलब क्या होता है कि फलन जो है वो रीमान समाकलनीय है, तो इसका मतलब है कि उसका निम्न डार्बूयोग और ऊपरी डार्बूयोग क्या है, बराबर है। और वो अगर फलन क्या दे रखा हो स्टूडेंट्स, रीमान समाकलनीय दे रखा हो, तो इसका मतलब है कि उसका निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन क्या है, बराबर है। अर्थात a बार से b एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर है a से b बार एफ एक्स इंटू डी एक्स, रीमान समाकलनीय हो गया। तो ये मूल रूप से a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये रीमान समाकलन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए पी में परिबद्ध और रीमान समाकलनीय है, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत डेल ग्रेटर देन जीरो विद्यमान है, तथा नॉर्म ऑफ पी है वो लेस देन डेल है, तब एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, तब एक पॉइंट एप्सिलॉन आर जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, आर में अंतराल से लिया इसने आर माइनस वन और एक्स आर से, तो डेफिनेशन जो है वो प्रूव करनी है, देन प्रूव करना है स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आर, आगे है एक्स आर माइनस वन माइनस ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये प्रूव करना है। और ये है सेकंड डेफिनेशन ऑफ रीमान समाकलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो है सेकंड डेफिनेशन ऑफ रीमान समाकलन, बहुत इजी थ्योरम है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखो, सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो लिख देंगे, क्योंकि क्या दिया गया है, दिया गया है कि फलन एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में रीमान समाकलनीय है, क्योंकि फलन क्या है एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में आर समाकलनीय है, मतलब रीमान समाकलनीय है। अगर रीमान समाकलनीय हो ना स्टूडेंट्स, तो उसको लिखते हैं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी में एफ क्या लिखेंगे, रीमान समाकलनीय है ए बी में, ये एक ही बात है, ये वाली और ये वाली दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं रीमान समाकलनीय है, इसका मतलब ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न, वो वाली कंडीशन अभी बताई थी वो लिख देंगे इधर, कि जो उसका ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन क्या है, वो क्या है, बराबर है ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब ये गिवन हो तो ये लिख सकते हैं, ये बराबर हो तो ये लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर आ गई हमारी फर्स्ट। अब थ्योरम 1.6 जो हमने डिस्कशन की है अभी प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम थ्योरम 1.6 डार्बूयोग का मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम था 1.6, वहां पे दिया गया था कि अपर एफ पी क्या है स्टूडेंट्स, अपर एफ पी लेस क्या स्टूडेंट्स, लेस देन ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वाली कंडीशन थी हमारे पास, और प्लस एप्सिलॉन समीकरण नंबर दो, और एक था लोअर एफ पी, लोअर एफ पी क्या स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन थी हमारे पास अपने प्रीवियस थ्योरम में, दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे अच्छी तरह से लिख दी। अब क्या करना है, इन्हीं कंडीशंस, जो तीन कंडीशंस हमारे पास आई है, इन्हीं के आधार पे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अपर एफ पी और लोअर एफ पी का जो मान है हमारे पास वो क्या है, तो यहाँ से इसमें लिख लेंगे, क्योंकि ये वाला जो मान है वो मूल रूप से इसके बराबर, और ये वाला मान है वो भी क्या, इसके बराबर है। तो यहाँ से लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फिर वन एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो यहां से लिख लेंगे अपर एफ पी का जो मान है वो क्या स्टूडेंट्स, अपर एफ पी लेस देन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, समीकरण नंबर आगे चार, सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग लोअर एफ पी ग्रेटर देन ए से बी, क्योंकि इनकी जो है रीमान समाकलन है, तो लिख सकते हैं ये वाला मूल ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इक्वेशन नंबर फाइव।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है रिमांड समाकलन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास है पार्टिएशन होगा, पार्टिएशन होगा इसका मतलब क्या है आरवा अंतराल भी हमारे पास होगा। तो यहाँ पे क्या ले लिया, क्योंकि आरवा अंतराल चूज कर लिया एक्स आर माइनस वन, और आपको स्टार्टिंग में पार्टीशन मैंने जो कंडीशन बताई थी वो सारी लिखनी है, पार्टीशन भी लिखना है। आरवा अंतराल चूज कर लिया, प्रत्येक इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से क्या मान लिया, मानना कोई पॉइंट एप्सिलॉन आर बिलोंग कर रहा है कहां से, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर से। इस इंटरवल के लिए कंडीशन होती है कि प्रत्येक अंतराल के उच्चक और निम्नक होते हैं, तो इसका मतलब है ये आरवां अंतराल है हमारा, तो एक्स आर माइनस वन ये वाला पॉइंट और एक्स आर, तो इसका मतलब ये वाला इसका उच्चक हो जाएगा और ये वाला निम्नक हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो फलन का जो मान है इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट में, इस मान से तो क्या होगा बड़ा होगा और इस मान से छोटा, मतलब फंक्शन का जो मान है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहां से इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का मान, तो यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे फलन का मान मतलब फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आर का जो मान है वो क्या रहेगा, इस पॉइंट से एम आर से, मतलब एम आर से क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर रहेगा। स्टूडेंट्स पता है बेसिक कंडीशन है सबको, अब क्या करेंगे डेल आर से, क्योंकि हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन है, तो यहां से इक्वल वाली छोड़ देंगे, तो ये कंडीशन तो होती है। इन पॉइंटों पे क्या होता है, इक्वल वाली कंडीशन आती है, अगर बीच का कोई भी पॉइंट है तो वहां पे फलन का मान क्या होगा, या तो इस पॉइंट से बड़ा होगा या इस पॉइंट से छोटा होगा, होगा स्टूडेंट्स। तो अब क्या कर लेंगे डेल आर से गुणा पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आर इनटू डेल आर लेस देन कैपिटल एम आर डेल आर, समेशन लगा लेंगे आर इक्वल टू वन से एन स्मॉल एम आर डेल आर, यहाँ से फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन लगा लिया आर इक्वल टू वन से एन एप्सिलॉन आर डेल आर, डेल आर का मान आर अंतराल की लंबाई है स्टूडेंट्स, समेशन आर इक्वल टू वन से एन कैपिटल एम आर डेल आर, जहां पर डेल आर का जो मान है वो होता है एक्स आर माइनस वन, आरवें अंतराल की क्या स्टूडेंट्स ये लंबाई है, तो डेल आर की वैल्यू रख लेंगे। ये क्या होता है हमारा लोअर डरबक्सम होता है, ये वाला क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा अपर डरबक्सम होता है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा लोअर एफ पी, लोअर एफ पी लेस देन क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये एज इट इज रहेगा आर इक्वल टू वन से एन फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आर पॉइंट है, डेल आर का मान रख लेंगे एक्स आर माइनस वन, बहुत इजी थ्योरम है स्टूडेंट्स। और ये क्या है, ये है अपर एफ पी, समीकरण आगे आगे वाली छह नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए समीकरण से क्या है, ये छह नंबर इक्वेशन आ गई, चार नंबर में अपर एफ पी लेस देन है इस मान से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपर एफ पी की तरफ किसका साइन आना चाहिए, लेस देन का साइन, या अपर एफ पी की जगह हम क्या रख लेंगे, ये वाला मान रख लेंगे, और लोअर एफ पी की जगह हम ये वाला मान रख लेंगे, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, बिना देखे रख देंगे यहाँ पे मान, समीकरण चार और पांच से क्या है, अपर एफ पी की जगह ये पुट कर लेंगे, लोअर एफ पी की जगह ये वाला पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी लोअर एफ पी की जगह वैल्यू पुट करनी है ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्साइलन लेस देन का साइन है ये पूरा एज इट इज आर इक्वल टू वन से एन फंक्शन ऑफ एप्साइलन आर आरवें अंतराल की लंबाई लेस देन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एप्साइलन। अब ये कंडीशन बन गई स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे कंडीशन बन गई जो हम एप्साइलन डेल डेफिनेशन में बनाते थे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता था, प्लस माइनस का साइन लगाते थे यहाँ पे जब हम क्या हटाते थे मापांक, तो इसका जो मान आता था स्टूडेंट्स हमारे पास वो था कि एल माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा और एफ एक्स का मान और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा, ये कंडीशन यहां से आती है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये इससे इस पॉइंट का मान क्या है बड़ा है और इस पॉइंट से छोटा है, तो इसका मतलब मापांक में लिख सकते हैं इस मान को पूरे को, तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स मापांक में लिखते ही हमारी डेफिनेशन है वो सिद्ध हो जाएगी। तो क्या करेंगे ये मापांक में आ जाएगा पूरा मान माइनस ये वाला, तो फंक्शन ऑफ समेशन आर इक्वल टू वन से एन फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आर
इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, माइनस में ये वाला मान आता है, आता है फ्रेंड्स माइनस एल, तो माइनस ये वाला ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स मापांक में लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पे नॉर्म ऑफ पी का जो मान हो गया लेस देन एल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये हमारी रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा। अगर ये डेफिनेशन सत्य है स्टूडेंट तो इसका मतलब है कि फलन आर क्या रीमान समाकलन है, और रीमान समाकलन को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, अगर रीमान समाकलन नहीं है तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ रीमान समाकलन है, आपको सेकंड डेफिनेशन पढ़नी है, बहुत इजी थ्योरम है, इस पर आधारित इजी थ्योरम है। नेक्स्ट में हम रीमान समाकलनीयता की जो कसौटी है उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।